दीपावली खुशियों का त्यौहार, एक बार फिर दिवाली आई है हम सबके घरों में खुशियां लेकर। हम सबको करना क्या है, इस दिवाली पर एक प्रण करना है, उन सब घरों में दिवाली मनवानी है जो लोग एक्चुअल में जरूरतमंद हैं। हर वो गरीब इंसान जो दिए बनाता है उस घर में दिवाली लेके आनी है, कुम्हार घर में दिवाली लेके आनी है। हम लोग करते क्या है दिवाली पर, हम लोग चाइनीज पटाखे खरीदते हैं, फिर हम चाइनीज लड़ियां खरीदते हैं, और तो और गणेश लक्ष्मी जी भी चाइनीज आने लग गए। आपको पता है ये सारा पैसा देश का बाहर जा रहा है, हमारा देश इससे नुकसान में है। अगर आप किसी कुम्हार से दिए खरीदेंगे, मिट्टी के गणेश जी लक्ष्मी जी खरीदेंगे, तो पैसा उसके घर में जाएगा, उसके बच्चों को खुशियाँ मिलेंगी, वो भी वो मिठाइयाँ खाएगा जो आपके बच्चे खा रहे हैं। तो इस दिवाली कुछ ऐसा करिए जिससे हर घर में खुशियाँ आए, इससे आपको दुआएं भी मिलेंगी, आपका अपना ऑरा भी स्ट्रांग होगा। और दिवाली पर मैं तो कहता हूँ दिवाली की बजाय अगर आप रूटीन में ही जो भी सब्जी जो भी फ्रूट खरीदते हो कोशिश किया कीजिए रेड़ी वालों से, सड़क किनारे बैठे गरीब लोगों से खरीदा कीजिए, ताकि उनके घर में सही कीमत पहुँचे। क्योंकि आपको पता है आपके घर में जो भी सब्जी आती है जो भी सामान आता है उसके बीच में बिचौलिए हैं, तो कमीशन भी बीच में बढ़ जाती है। तो इस दिवाली आप एक प्रण लीजिए कि आप हर उस व्यक्ति के घर में सही हक पहुँचाइए जो उसका है। अगर आप सच में मदद करना चाहते हैं तो इस दिवाली अस्पताल जाइए, जितने घायल लोग हों, जितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हों, उन लोगों की मदद कीजिए, उन लोगों को कुछ ऐसा दान करके आइए, कुछ ऐसी मदद करके जिससे उनके घर में दिवाली बने। और इस दिवाली ना एक और प्रण लीजिए कि मुझे जीवन काल में हमेशा किसी ना किसी के काम आना है, क्योंकि हमारी चरक संहिता भी कहती है, हमारा आयुर्वेद भी कहता है, सुख संज्ञा आरोग्य विकारो दुख मेवचा, यानी कि सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया और सबसे बड़ा दुख है रोगी काया। तो इस दिवाली एक और प्रण लीजिए, अपने शरीर को निरोगी बनाइए। रोगी तो आप हैं ही, बीपी शुगर थायराइड केमिकल युक्त गोलियां खाते हैं आप, तो इस दिवाली के बाद अपने शरीर की सफाई कीजिए, डिटॉक्सिफिकेशन कीजिए, अपने शरीर की क्लीनिंग कीजिए, और इस दिवाली अपने घर में खुशियों के साथ साथ हर उस घर में खुशियां लेके आइए जिस घर में एक्चुअल खुशियां जानी चाहिए। यानी कि आज के बाद आप खरीदेंगे ना सामान उन लोगों से जो दिए बनाते हैं, जो छोटे छोटी घरों में अपने सामान बनाते हैं, उनसे सामान खरीदिए, ताकि एक्चुअल दिवाली का जो सही मकसद था दूसरों के घर में दिया जगाने का, वो चरितार्थ हो सके। और दिया अगर आप सरसों के तेल का जलाते हैं तो उससे हमारे आसपास आभा मंडल शुद्ध होता है, हमारा ऑरा पूरा का पूरा स्ट्रांग होता है, हमारे सातों चक्र सही दिशा में बैलेंस होते हैं, और हम लोगों को मिलती हैं असीम खुशियाँ, असीम आनंद। तो आप सब इस असीम आनंद के लिए, असीम खुशियों के लिए कब किसी गरीब की मदद कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में या हमें मैसेज करके। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है इस दिवाली खुद भी खुशियां मनाइए और लोगों को भी खुशियां बांटिए, यही हमारी कामना है। अपना डॉक्टर खुद बनने के लिए सब्सक्राइब करें दिव्य उपचार और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए।